सब्सक्राइब कीजिए टेक ट्रिक चैनल को और इस बेल वाले आइकन पे भी क्लिक कीजिए नए टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन में छोटी सी लाइट ऐप से रेलवे के किसी ट्रेन्स को देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, उस लिंक पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, सिंपली अभी मॉडेड वर्जन में है। तो सिंपली आपको डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐप ऐसा दिखेगा, जैसे रेलवे ऑल इंक्वायरी दिया है, तो सिंपली हम इस पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आएगा इंटरफेस ऐसा कुछ, और शेयर का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ, या आप स्टार्ट इंक्वायरी पे क्लिक कर सकते हैं। जब स्टार्ट इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं तो इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। ओपन होने के बाद स्क्रीन आ चुका है, सिंपली हम यहाँ पे एड्स आते हैं, तो थोड़ी हम एड्स को क्लियर करते हैं। तो क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे दिया है एंटर योर ट्रेन नंबर, तो सिंपली हम अपना ट्रेन नंबर करते हैं टाइप। तो टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन नंबर आ चुका है। उसके बाद गो पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन की पूरे लिस्ट आ चुकी है, जो ट्रेन कहाँ जाएगी, मुजफ्फरपुर से चलकर ये हावड़ा जंक्शन तक जाती है। तो सिंपली आप इस तरह किसी भी ट्रेन को लाइव देख सकते हैं, कहाँ तक पहुँची है स्टेटस देख सकते हैं। सिंपली हम आते हैं बैक, बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो का ऑप्शन आता है, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन फीचर ऐड किए गए हैं। ऊपर ट्रिपल लाइन पर जब क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सिंपली आप यहाँ पे ऑप्शन लाइव स्टेशन देख सकते हैं, लाइव ट्रेन शेड्यूल देख सकते हैं, किसी भी स्टेटस को देख सकते हैं। इस प्रकार आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक वाले बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।